नमस्ते। आइए बैठिए। देखिए, आपके बेटे ने जो किया है वो बहुत बड़ा अपराध है। बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब हाँ। आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, अगर उसे मारने से पहले आपका बेटा मेरे पास आकर मुझसे आइडिया लेता तो इस केस से उसे मैं आसानी से बचा लेता। मार तो दिया, कम से कम गला काटता तो जान तो जाती उसकी। स्टूपिड गाय, खड़े क्यों हो गए आप? बैठ जाइए। 308 केस का केस बुक किया है, हाफ मर्डर, काम भी पूरी तरह से किया नहीं है। अगर उसे जान से मारते ना तो बेल आसानी से मिल जाती उसे। तो क्या आप उसे छुड़ा नहीं सकते? छुड़ा सकते हैं। मेरी 1,00,000 की फीस दे दीजिए, बाद में 50,000 का बॉन्ड लेकर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबमिट कर दीजिए। गवर्नमेंट की फीस से ज्यादा मुझे आपकी फीस लग रही है। पूरे 25 साल में बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने में जो खर्चा होता है उससे ज्यादा 3 दिन की शादी में होता है, पता है ना? हाँ, चेक से काम नहीं चलेगा, कैश देना होगा। अच्छा, समझ गया ना? हाँ। भैया, मैं गोडाउन में पहुंच गया हूँ, आप मोहम्मद भाई से बात कर लीजिए। बोलो भैया, भाव बिल्कुल नहीं है, क्विंटल का 1600 रुपए चल रहा है। इस महीने के गोदाम का रेंट भर के थोड़ा सब्र करो, रेट अच्छा मिलेगा, इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से 1.5 लाख भेज दो। अच्छा ठीक है भैया। कल तो 2200 रुपए था, आज 1600 रुपए है। अरे ऐसा होगा तो किसानों का विकास कैसे होगा? अरे सुनो यार, भैया का रेंट भर के मैंने,
8000 का घाटा खाया है। जाने दो भैया जी, हमारे पुराने ग्राहक है ना, इसलिए दे रहा हूँ। I love you. एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ अबे चुप, बजाऊंगा कान के नीचे। I love you. पता नहीं किसका फोन है। I love you. हेलो भैया, कहाँ हो भैया? मंदिर के सामने पड़ा हूँ, बोल क्या बात है? भैया मुझे डांस सिखाने का वादा किया था ना भैया। अबे तू जो डांस करने के लिए इतना उतावला हो रहा है, तेरी फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हलचल हो रही है उसको मैं किसे बताऊँ यार। भैया मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ भैया। अबे मैं तो आस लगा। अबे तेरे बाजू में कौन है? मुगेम्बो। ठीक है उसके साथ डांस कर ले। अरे रुक यार। अच्छा एक काम कर, मोगेम्बो की मदद से पूजा के कलश को सर पे उठाकर हाँ। चारों तरफ एक चक्कर लगाकर हाथ छोड़कर बिना हिले डुले पूजा के कलश को उठाकर सही खड़े रहोगे ना, तब मैं आऊंगा। आप फोन रख गधे की औलाद। क्या भैया इसने ऐसा कह दिया? तालुक कोर्ट में बेल नहीं हुआ बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, वो भी जज को खिलाने के बाद। कांग्रेचुलेशंस, आपके बेटे को ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय लीजिए। ए सिगरेट देना। सिगरेट लेंगे? मैं सिगरेट नहीं पीता। कोई बात नहीं है, बिल दे दीजिए। हाँ एक बात और, कोर्ट में जब जब हियरिंग होगी ना तब तब आते रहना। ये लो भाई। जी ठीक है। आते वक्त फीस लेकर आइएगा। जी अच्छा। भूलिएगा नहीं। सर केस बंद होने में और कितना समय लगेगा? मुझे इस बात की आइडिया नहीं है, लेकिन एक 5-6-7-8 साल हो सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके बेटे को छुड़ाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन वारंटी मिल सकती है इस मोबाइल की तरह। एक ही टाइम में इस केस को क्लोज नहीं कर सकते क्या? अगर 5 लोगों का मर्डर करता तो आसानी से हो जाता। आप एक वकील होकर ऐसी बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अगर आप इतने शरीफ हैं ना तो आपके बेटे को सजा दिलाकर जेल में सड़ने देना चाहिए था। छुड़ाने क्यों आए आप? यही यहाँ का सिस्टम है, यहाँ कोर्ट में सबूत चाहिए होता है। जब तक सबूत देने वाले रहेंगे हियरिंग के लिए बुलाते रहेंगे, वाद विवाद होता रहता है, लेकर जाइए। अरे सुनिए एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, उन चारों लोगों को अच्छे से पैसे खिलाकर राजी करवा दूंगा। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, पैसे अरेंज कर लीजिए, समझ गए ना? हमारे लिए क्लाइंट इम्पोर्टेंट है। क्या भैया आप MLA के पास जाते हो, बैंक से लोन भी लेते हो, फिर क्या हुआ? हम क्या वोट नहीं डालते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं? हमारा भी तो हक है, हम नहीं पूछ सकते क्या? सुनो हम अपने घर में कुत्तों को खाना डालते हैं घर की हिफाजत के लिए, लेकिन जब हमें भूख लगेगी तो हम कुत्तों से मांग सकते हैं? हाँ पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को हमारे पूर्वज लगान दिया करते थे और राजा प्रजा की तकलीफ समझकर मदद करता था। अब नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारी तकलीफ दूर करने के लिए कोई नहीं आता। हमें क्यों उसके पास जाना होगा? जब तक वो हमारे पास नहीं आता तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं होगी।